8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सअप कर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। जो भी आपका डाउट हो तो उस सवाल की आपको फ़ोटो खींचनी है और उसे ड्रॉ क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 और IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एड्रेस में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिन लोगों को अभी तक सीट अलाटमेंट नहीं हुआ है 5वें राउंड तक। अब जैसा कि आपको 6 से 9 राउंड तक स्पॉट काउंसलिंग होने वाला है, स्पॉट काउंसलिंग होगा, इसमें पूरा बात करेंगे डिटेल में, आखिर कब क्या क्या प्रोसेस, साथ में क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने कॉलेज चूज करने, पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। और आप सभी के हेल्प के मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन हो जाए ताकि कोई भी छोटी छोटी अपडेट हो और कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाए। चलिए दोस्तों, आप सभी को पूरा अपडेट बता देते हैं क्या है इशू और कहाँ कहाँ कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है इस बार। तो दोस्तों, बात करते हैं, जो देखिए क्या है, फॉर ऑल UV एंड अदर स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड नॉट अवेयर इन जॉइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। इसका मतलब समझिए सभी स्टेट वालों के लिए है, चाहे 10 स्टेट चाहे UP वाले हो, अगर जो लोग अभी तक 5वें राउंड तक कॉलेज नहीं पाए वो भी कर सकते हैं, या जो नॉट अपियर इन जॉइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी जो लोग अभी तक अपियर नहीं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, वो लोग भी इस राउंड में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, हालांकि पहले इसको नॉर्मली स्पॉट काउंसलिंग ही बोला जाता था, लेकिन अब स्पॉट काउंसलिंग का नाम चेंज कर दिया गया है, इस समय ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है। तो एक प्रकार से स्पॉट काउंसलिंग है लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस है, तो मैं पूरा समझा देता हूँ क्या है। देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर, हालांकि इसको स्पॉट काउंसलिंग इस बार नाम नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझिए क्या लिखा है। 6th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट नॉट अपियर इन GCOP 2021 एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, यानी जिन्होंने अभी तक भैया अपियर नहीं किया है वो लोग 3 से लेकर 5 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। और 6th राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट अलॉटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग एंड अपियर इन GCOP 2021 एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इफ नॉट पेड अर्लियर, यानी जो लोग अभी तक 5वें राउंड तक काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं पाए हैं वो लोग इस राउंड में जो है अपना भाग ले सकते हैं, जो कि है 6 तक, यानी 6 तारीख को वो लोग भाग ले सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आपका 3 से 5 होगा, लेकिन जो 5 राउंड तक नहीं पाया वो 6 से कर सकते हैं, ठीक है। आगे है 6th राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय ऑल कैंडिडेट ऑफ 6th राउंड आर कंपल्सरी टू फिल चॉइस, ओनली 1 चॉइस विल बी अवेलेबल, यानी इनका मतलब है कि 6th राउंड में चॉइस फिलिंग 6 तारीख से स्टार्ट होगा और सभी कैंडिडेट जो है केवल 1 कॉलेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया ओनली 1 चॉइस विल बी अवेलेबल, यानी केवल 1 कॉलेज ही आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं 6th राउंड का जो है, देखिए सीट अलाटमेंट है वो होगा 7 तारीख को आपका सीट अलाटमेंट होगा, हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हो, मॉर्निंग में थोड़ा टाइम बाद हो जाएगा शाम 2 बजे तक, क्योंकि ये लोग सोए रहते हैं, हो सकता है रात तक एक्टिवेट कर लेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अभी 6, 7, 8, 9 है तो उससे कोई जरूरत नहीं, 6, 8वां आप सभी को समझाना था 6th राउंड का, तो 9 राउंड तक चलेगा, आगे का प्रोसेस बाद बताऊंगा। लेकिन 6वें चरण से 9वें चरण की काउंसलिंग का जो निर्देश वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा गया है कि पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 6वें से 9वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनटिन संस्था में ही किया जाएगा और अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया अपने ऑनटिन संस्था में पूर्ण करेंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फीस उस सब प्रोसेस होगा, आपको जहां पर सीट अलाट होगा कॉलेज वहीं पर जाकर पूरा प्रोसेस कराना होगा, आपको हेल्प सेंटर पर अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे इनका कहना है कि 6वें चरण में अनुदानित एवं निजी संस्थानों में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटिंग 2021 से सम्मिलित नहीं हुए हैं, और ये अभ्यर्थी अनुदानित तथा निजी पॉलिटिंग संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ही पात्र होंगे। 7वें चरण से रजिस्ट्रेशन उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों में होगा। इसका कहने का मतलब है 6वें चरण में जो अनुदानित एवं निजी संस्थान रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे जो कि संयुक्त प्रवेश, यानी जिन स्टूडेंट ने अभी तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया उनके लिए एक अवसर है कि वो केवल प्राइवेट और एडेड कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं, लेकिन एडेड कॉलेज के लिए तो भाई हो तो एक कॉलेज एडेड जरूर चूज कर लो, हो सकता है मिल जाए, लेकिन फिलहाल चांसेज आपके कम है, आप प्राइवेट ही करिए तो बेस्ट रहेगा। और हाँ, अगर आप लोग लखनऊ
देखिए, अगर आप लोगों को लखनऊ में एडमिशन लेना है किसी भी प्राइवेट कॉलेज, तो मेरे कांटेक्ट में अच्छी कॉलेज है, प्लेसमेंट के साथ सब कुछ दिलाती है, आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर 888-7446-489, 888-7446-489 में हमें व्हाट्सएप करिएगा। सर, हमें लखनऊ में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको पूरा डिटेल दे दूँगा। आप जाइएगा, विजिट करिएगा, कॉलेज अच्छा लगेगा, एडमिशन कर लीजिएगा, प्लेसमेंट भी अच्छी होती है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगा। आगे हैं, राजकीय पॉलिटिक संस्थानों में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में, यानी जिन्होंने केवल गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग वही चूज कर सकते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। आगे है, छठे चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो अगले सभी चरणों में प्रवेश पात्र नहीं होगा। यानी अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस नहीं जमा करते हैं तो उसके बाद आप लोग पूरा जो इतने भी राउंड है आप लोग आउट हो जाएंगे। आगे है, छठे चरण से नवे चरण की काउंसलिंग में के प्रवेश के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित तिथियों के रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन ₹250 जमा किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ₹250 वही देंगे जो अभी तक फीस नहीं पे किए, क्योंकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस पहले दूसरे तीसरे पाँचवें राउंड तक दिया है तो उनको अब छठवें राउंड में देने की जरूरत नहीं है। आगे है, काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको टाइम मिल जाएगा उसी टाइम में जाकर करना होगा, वो भी आपको संस्था में यहाँ जहाँ पर आपको सीट मिला है। आगे है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। यानी जिन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने संस्था में कराएंगे, जो एडेड है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनको जो शुल्क है पूरा अपने लॉगिन माध्यम से ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण की निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। यानी जो निजी वाले उनको कुल 3,000 जमा करना और अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण की निर्धारित तिथि समय जमा करना तथा शेष शुल्क, यानी जो 3,000 इनको जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन होगा अगर आप प्राइवेट में लेते हैं, उसके बाद जो को आपको गौर आपको जो है अपने कॉलेज में जाकर प्राइवेट कॉलेज जहाँ भी होगा वहाँ पे फीस पे करना होगा। वहीं आपको एक बार फिर से बता दें, लखनऊ की टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन लेना प्राइवेट कॉलेज में, तो आप मेरे थ्रू भी मेरे कॉन्टेक्ट में एक अच्छा कॉलेज है बेस्ट कॉलेज में आपको, आप हमें जो मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर बताया है 888-7446-489 इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर हमें लखनऊ में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बहुत ही टॉप का कॉलेज है, आपको अगर आप हमें बताएंगे तो मैं एक सर हैं मेरे कॉन्टेक्ट में उनसे बात कर लूँगा, तो आपका कुछ 2-3 हज़ार फीस भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा वीडियो पसंद आया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।